रशिया ने कभी चांद पर यान भेजा ही नहीं। हे भगवान, ये हम क्या बोल रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, यही सच है। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे ये बात सच है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 3 के जरूरी अपडेट्स की। चंद्रयान 3 ने एक ऐसी भयानक फोटो भेजी है जिसे देखकर रूस घबरा गया है और इसरो हैरान रह गया है। लैंडर विक्रम के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा ने इस फोटो को खींचा है। इससे खींची गई फोटो इसरो के आइस्ट्रैक सेंटर में डाउनलोड हुई है। लैंडर इमेजर ने इस फोटो को लेने में इस कैमरा की मदद की है। इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा को स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में डिजाइन किया गया है। इस कैमरा से ली गई इमेजेस को हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैमरा कितनी क्लियर फोटोज को सेंड कर रहा है। देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कहीं इन फोटोज को एआई ने तो नहीं बनाया। दोस्तों, ये फोटोज बिल्कुल असली हैं और ये इतनी हाई रेजोल्यूशन की हैं कि आप बता नहीं पाएंगे कि ये किसी कैमरा ने खींची हैं। इमेजेस इतनी क्लियर और परफेक्ट निकल कर आई हैं जिससे लगता है कि चांद के काफी करीब से इन फोटोज को लिया गया है। इसरो के लिए तो ये एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन दूसरी स्पेस एजेंसीज के लिए ये काफी बड़ी चौंकाने वाली बात है। मानो उनके साथ कोई नाइटमेयर ही हो गया हो। इन फोटोज को आप अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सही तरीके से चांद पर बने क्रेटर्स को दिखा रहे हैं, कितने अच्छे से इतने बड़े और गहरे गड्ढों को आप साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसरो इन गड्ढों को देखकर ज्यादा खुश नहीं हो सकता, क्योंकि 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग काफी नजदीक है और इसरो नहीं चाहता कि ये गड्ढे सॉफ्ट लैंडिंग में आड़े आएं। चंद्रयान 3 सामान्य यान नहीं है, ये तो काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बनाया गया रोबोटिक यान है जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा, एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर लगा है। इन सबको एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल की तरह भेजा है। कैमरा देखेगा, एआई एनालाइज करेगा और सॉफ्टवेयर कमांड देगा। इसका मतलब है कि चांद पर इसरो ने भले ही 2.5x4 किलोमीटर के दायरे में लैंडिंग को प्लान किया हो, लेकिन कुछ छोटे छोटे गड्ढे जो एक दूसरे के नजदीक होते हैं वो सॉफ्ट लैंडिंग में बाधा बन सकते हैं। दोस्तों, चांद की सरफेस कैसी है, कितने खतरे हैं, कैसे और किस साइज के वहां पर क्रेटर्स हैं, कैसे तूफान और आंधियां वहां पर आते हैं, कैसे वहां पर उल्टी बारिश होती है, इन सारे टॉपिक्स पर हमने डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं। आप नीचे पहले कमेंट में जाकर इन सब वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, चांद पर सूरज कभी भी धरती की तरह सिर पर नहीं चढ़ता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो कुछ गड्ढों में तो करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी गई ही नहीं, और वहां पर चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंड करना भी आसान नहीं होगा। इसलिए किसी भी यान के लिए चांद के साउथ पोल पर रिसर्च करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि लाइट के बिना परफेक्ट स्टडीज काफी मुश्किल हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में हर्डल्स अवॉइडेंस सिस्टम लगा है जो उसे किसी भी तरह के खतरों से दूर रखेगा, लेकिन बिना रोशनी के ये सब कर पाना काफी मुश्किल और चुनौतियों से भरा होगा। अब जब इसरो के चंद्रयान 3 में लगे कैमरा ने जो फोटोज भेजी हैं उसे देखकर रूस को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि रूस काफी सारी हवाबाजियां कर रहा था कि हमारा यान पहले चांद पर उतरेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन दोस्तों आज तक वो सिर्फ अपने बंद कमरे में बंद पड़ा था, बस कुछ करने का इंतजार सा कर रहा था। और भारत के चंद्रयान 3 छोड़ते ही रूस ने लूना 25 छोड़ दिया, तो लगता यही है कि रूस ने रेस जीतने के लिए ज्यादा टेस्टिंग किए बिना लूना 25 को छोड़ दिया। और दूसरी ओर इसरो का चंद्रयान 3 एक से बड़े एक रिकॉर्ड्स को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है और चौंकाने वाली तस्वीरों को भी धरती पर भेज रहा है। दोस्तों, रूस सोच रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग आखिर होगी कैसे, क्योंकि पहले के उसने जो भी यान भेजे थे वो सिर्फ हाई सिक्योर जगहों पर भेजे थे, लेकिन रूस ने कभी भी अपने यान को चांद के साउथ पोल जैसी अनसेफ जगहों पर नहीं भेजा। चांद की हाईली सिक्योर जगहों पर पूरी तरह से और ऊपर से सूरज की रोशनी आती है, तो वहां पर किसी यान को उतारने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चंद्रयान 3 द्वारा भेजी इन तस्वीरों को देखकर रूस सोच रहा होगा कि आखिर यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे कैसे, क्या लूना 25 यहां उतर भी पाएगा। रूस ने बताया है कि वो सीधी रेखा में ही अपने शक्तिशाली रॉकेट से उनके लूना 25 को भेजेगा।
लूना 25 को 10-12 दिन में सॉफ्ट लैंडिंग कराने का वादा तो कर दिया, लेकिन क्या ये संभव भी है? ऐसी सोच में रूस डूबा हुआ है। रूस को चांद के साउथ पोल पर उतरने वाली पहली कंट्री बनना था, लेकिन अब ये खिताब इसरो अपने नाम करके भारत को देने वाला है। वैसे तो दोस्तों, चांद की उस पार की सतह को धरतीवासी अब अच्छे से जानते हैं। नासा ने चांद की 3D मैपिंग कर ली है, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने काफी इमेजेस दिए हैं, और नासा के भी कई सारे ऑर्बिटर्स ने स्टीक इंफॉर्मेशन हासिल करने में काफी मदद की है। तो इसरो के लिए मुश्किल तो नहीं होगा, बस ध्यान ये रखना है कि सॉफ्ट लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दोस्तों, कुछ डर भी हैं। अच्छे मैप और अच्छी इमेजेस सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही हैं, उसके आगे सब जगह अनएक्सप्लोर्ड है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसरो के लिए आसान तो है, लेकिन काफी सारे मुद्दों को ध्यान में रखना होगा। रूस को हो रही जलन अब बढ़ने वाली है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिनों में चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर चुका होगा और भारत बनने वाला है विश्व का पहला वो देश जिसने चांद की साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। लेकिन ये करने के लिए इसरो डिपेंडेंट है मशीन लर्निंग और AI पर, क्योंकि चांद के कौन से हिस्से में रोशनी है और चांद का कौन सा हिस्सा अंधेरे से ढका हुआ है उसे समझना है AI को। फिर सॉफ्टवेयर को कमांड मिलेगा कि यान को किस रास्ते मोड़ना है। बात करें अगर रूस की, तो उनका लूना 25 47 सालों के बाद चांद पर जाने वाला है, तो रशिया कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। दोस्तों, दरअसल रूस पहली बार चांद मिशन करेगा। पहले जिसने 24 यान भेजे थे वो सोवियत यूनियन था, रशिया नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रूस का चांद की सतह को लेकर जो डर है, क्या वो जायज है? और इस रेस में कौन जीतेगा, रूस या भारत? भारत का साथ देने के लिए ऑल द बेस्ट इंडिया लिखकर कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।